प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि अनहारमोनिक मोशन से के क्या क्या इफेक्ट होते हैं और आइसोटोप्स पर उन किस स्पेक्ट्रम किस प्रकार से बनते हैं, और उसी के आधार पर सेलेक्शन रूल और उनकी जो ऊर्जा है उनकी उसके बारे में अध्ययन किया तथा उसकी इंटेंसिटी के आधार पर किस प्रकार से प्रथम ओवरटोन, द्वितीय ओवरटोन, तृतीय ओवरटोन के और हॉट ओवरटोन के बारे में बताया था। आज हम यहाँ पे जो विभिन्न क्रियात्मक समूहों की कंपन आवृत्ति किस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर विभिन्न क्रियात्मक समूहों की कंपन आवृत्ति से तात्पर्य है कि बहुत से हमारे जो कंपाउंड हैं उनमें बहुत सारे क्रियात्मक समूह होते हैं और उन क्रियात्मक समूहों के कारण जो कंपन की आवृत्ति है वो किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो देखिए, यहाँ पर हम यदि विभिन्न प्रकार के समूहों की कंपन आवृत्ति को समझें तो उससे पहले हमें विभिन्न प्रकार के कंपनों एवं कारकों की व्याख्या भी करनी होगी। यदि एक बहुपरमाणु अणु में विभिन्न प्रकार के कंपन संपन्न होते हैं, जैसे तनन, बंकन, सममित, असममित, इस प्रकार से कैचिनुमा, अभिदोलन, संदोली, व्यावर्त कंपन आदि, इसके साथ ही अवशोषण आवृत्ति जिन कारकों से प्रभावित होती है उनकी भी व्याख्या हम यहाँ पे करते हैं। किसी क्रियात्मक समूह के साथ जुड़े हुए अणु के शेष भाग की संरचना भी अवशोषण की आवृत्ति को प्रभावित करती है, और इस प्रकार से जो ये कारक हमारे जो आवृत्ति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो निम्न प्रकार हैं। तो पहला कारक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। तो देखिए, क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए समूह इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाले अर्थात इलेक्ट्रॉन देने वाले जिसको हम प्लस आई प्रभाव, अथवा इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले जिसको हम माइनस आई प्रभाव कहते हैं वाले होते हैं। इससे उनकी बंद ऊर्जा जैसे उनकी बंद लंबाई भी प्रभावित होती है, जिससे उनमें कंपन आवृत्ति में परिवर्तन भी हो जाता है और उनकी अवशोषण बैंड शिफ्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि हम ले रहे हैं तो हम उदाहरण के लिए यदि कार्बोनिल समूह को ही ले रहे हैं, कार्बोनिल समूह है तो कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताओं में प्लस आई प्रभाव वाले समूहों के प्रवेश से उसकी अवशोषण बैंड की आवृत्ति घटती जाती है। जैसे आपको बताया चित्र में कि CH2, इसका लैम्डा मैक्सिमम का मान 1750 है, जबकि जैसे ही हम इसमें CH3 समूह ऐड करेंगे एक एच के स्थान पर तो ये 1745 हो जाती है, और यदि हम दोनों इस एच समूह को हटाकर जिस CH3 समूह दें तो ये हमारी 1715 हो जाती है। तो देखिएगा आप कि किस प्रकार से जो हमारा प्लस आई प्रभाव इसकी बैंड को प्रभावित करता है। दूसरा कारक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी हमारी कंपन आवृत्ति प्रभावित होती है। अणुओं में हाइड्रोजन बंध बनने से भी अवशोषण आवृत्ति प्रभावित होती है। अणु में हाइड्रोजन बैंड के से बंद सामर्थ्य में कमी आती है, जिससे अवशोषण बैंड की आवृत्ति कम हो जाती है, अर्थात अवशोषण बैंड उच्चतर यानी लैम्डा मैक्सिमम की तरफ शिफ्ट हो जाता है, साथ ही बैंड की चौड़ाई भी बढ़ जाती है। इसे हम टेबल में हम देखें आप तो इसमें हमारे विभिन्न यानी जो क्रियात्मक समूह हैं उनके बारे में बताया है। इससे हाइड्रोकार्बन अणु में CH बंद है तो इसमें कौन से प्रकार के कंपन होंगे, तनन होगा, सी सिंगल बॉन्ड सी में भी तनन होगा, सी डबल बॉन्ड सी में भी तनन कंपन होगा, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी में भी तनन होगा। इसी प्रकार अणु कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एल्केन है, ईथर है, एल्कोहल है, इसी प्रकार एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन है। तो यदि इनकी अवशोषण आवृत्ति हम देखें तो देखिए कि CH बंद सी सिंगल बॉन्ड H बंद में देखें हम तो ये 3000 से
2800 सेंटीमीटर इन्वर्स होती है। जबकि यदि हम इसको सी ट्रिपल बॉन्ड सी की देखें जो एल्काइन में पाई जाती है, तो इसकी जो अवशोषण आवृत्ति है वो हमारी 2140 से 2100 सेंटीमीटर इन्वर्स के मध्य में होती है। इसी प्रकार हाइड्रोक्सी में देख लीजिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध में जिसमें तनन बंकन दोनों कंपन पाए जाते हैं, जैसे एल्कोहल है, फिनॉल है। इसी प्रकार OH जिसमें तनन जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो यदि हम एल्कोहल और फिनॉल में देखें तो इसमें जो तनन में आवृत्ति होगी, अवशोषण आवृत्ति, वो 3600 से 3200 सेंटीमीटर इन्वर्स है, जबकि बंकन में ये 1410 से 1260 सेंटीमीटर इन्वर्स होती है। इसी प्रकार यदि हम OH में के तनन में देखें, यानी कि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखें, तो इसकी आवृत्ति 3000 से 2500 सेंटीमीटर इन्वर्स होती है। इसी प्रकार हम कार्बोनिल समूह में देखें जिसमें तनन कंपन पाया जाता है, तनन कंपन होता है, इसमें भी यदि हम इसकी आवृत्ति देखें तो 1750 से 1700 सेंटीमीटर इन्वर्स होती है। इसी प्रकार एमीन में देखिए, एनएस में, इसमें तनन बंकन दोनों कंपन प्रकार के कंपन पाए जाते हैं, जैसे प्राथमिक एमीन है उसमें, तो इसमें जो हमारी अवशोषण की आवृत्ति होगी वो 3400 से 3250 सेंटीमीटर इन्वर्स तनन में होगी, जबकि 1650 से 1580 सेंटीमीटर इन्वर्स बंकन में पाई जाती है। इसी प्रकार साइनो में देखिए, जैसे सी सिंगल बॉन्ड एन में इसमें तनन होता है, इसी प्रकार सी ट्रिपल बॉन्ड एन में इसमें भी तनन पाता है, जैसे एलिफेटिक अमीन में है। तो एलिफेटिक अमीन यानी सी सिंगल बॉन्ड एन में देखें हम, तो इसमें 12 जो हमारे अवशोषण आवृत्ति है वो 1250 से 1020 सेंटीमीटर इन्वर्स होती है। जबकि यदि सी ट्रिपल बॉन्ड एन में देखें तो इसमें जैसे नाइट्राइल में देखें हम, तो ये जो अवशोषण बैंड की आवृत्ति है ये 2500 से 2000 सेंटीमीटर इन्वर्स होती है। तो इस प्रकार से विभिन्न क्रियात्मक समूहों के आधार पर हम यानी किस प्रकार से हमारी आवृत्ति चेंज होती है, इसकी हम व्याख्या इस टेबल के आधार पर हम कर सकते हैं। अब इस जो आवृत्ति है या जो जो हमारी जो अवशोषण आवृत्ति है जो कि विभिन्न क्रियात्मक समूहों के आधार पर चेंज होती है, तो इस आवृत्ति की IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या एप्लीकेशन है या इसका उपयोग क्या है? तो देखिएगा, यौगिकों के IR स्पेक्ट्रम बहुत ही जटिल होते हैं। IR स्पेक्ट्रा की यह जटिलता ही इसके उपयोगी होने का एकमात्र कारण है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ प्रमुख उपयोग हम निम्न प्रकार ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा है यौगिकों की आणविक संरचना ज्ञात करने में, यानी कोई पदार्थ, कोई यौगिक है, उसकी आणविक संरचना किस प्रकार से हम इस आवृत्ति के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, कार्बनिक यौगिकों की आणविक संरचना ज्ञात करने में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का महत्वपूर्ण योगदान है, और कार्बनिक यौगिक के अणुओं में अनेक प्रकार के बंध या मकेदु क्रियात्मक समूह होते हैं। प्रत्येक बंध से संबंध विभिन्न तनन और बंकन कंपन की विभिन्न आवृत्तियों के विकिरणों को अवशोषित करते हैं, और अवशोषण बैंड की आवृत्ति से उस यौगिक की उपस्थित प्रमुख बंधों व समूहों की पहचान हो जाती है। जैसे मैंने टेबल में पीछे बताया था कि यदि हमारा CH बॉन्ड है या मैं कह दूँ एल्केन या ईथर है, तो उसमें हमारी किस प्रकार 3200 से 2800 सेंटीमीटर इन्वर्स, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी उसमें किस कौन सा क्रियात्मक समूह है और किस प्रकार का बंध है, उसके आधार पर हम यौगिकों की पहचान कर सकते हैं। IR स्पेक्ट्रम के आधार पर विभिन्न अवशोषण बैंडों की पहचान करके यौगिक की संरचना को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया OH यानी हाइड्रोक्सिल में, CH में, NH में, तो इसी प्रकार है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें बहुत ही कम बैंड हमारी मिलती हैं, जबकि C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल से, और जो C डबल बॉन्ड N या C डबल बॉन्ड C, ये इनमें जो आवृत्ति होती है हमारा 1800 से 1650 सेंटीमीटर इन्वर्स के मध्य में पाई जाती है, यानी
यानी लेमडा मैक्सिमम का मान देखिएगा आप, तो ये हमारा लेमडा मैक्सिमम का मान उच्चतर यानी 2.5 से लेकर के 6.5 की ओर अग्रसर हो जाता है। दूसरा हमारा यौगिकों की शुद्धता की हम जांच कर सकते हैं। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रत्येक यौगिक का एक अभिलाक्षणिक IR स्पेक्ट्रम होता है। किसी विशिष्ट संश्लेषण में यदि पदार्थ के साथ कुछ अशुद्धि होती है तो IR स्पेक्ट्रम में उसकी भी कोई अवशोषण बैंड आ जाएगी और इसका स्पेक्ट्रम शुद्ध यौगिक के स्पेक्ट्रम से भिन्न हो जाएगा और इस प्रकार हम यौगिक की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। इसी प्रकार यौगिकों की पहचान करना, तो किसी अज्ञात कार्बनिक यौगिक के IR स्पेक्ट्रम को ज्ञात कार्बनिक यौगिक के IR स्पेक्ट्रम से तुलना करके उस अज्ञात यौगिक की हम पहचान सकते हैं। इसी प्रकार से हम अणुओं की आकृति का भी निर्धारण कर सकते हैं इस IR स्पेक्ट्रम की सहायता से। किसी अणु की आकृति का भी निर्धारण किया जा सकता है, जैसे NO2 अणु जो कि